गुड आफ्टरनून, मैं हूँ मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल मेरा चैनल आर का दिनोवा। अभी वक्त हो रहा है 1 बजे। ठीक, गुड आफ्टरनून, और कैसे हो? ठीक है। और आज मेरा वक्त 2 दिन के एक बार मैं वीडियो डाल रहा हूँ मेरे इस चैनल पे, तो थोड़ा नया लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं क्या सोचा था कि कुछ नया कुछ कंटेंट लें, और जब मैं सवेरे लेट हो गया था उठने में, तो मुझे मेरे घर से बुलाया कि आज रेशन में जो गवर्नमेंट के ज़रिए से जो मिल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो लेने के लिए जाना था। तो आज सोचा कि इसी पर कंटेंट बना दें कि दोस्तों कि आज रेशन में इतनी भीड़ था और इतनी गर्मी, और अपने रेशन में जो दुकान है जो पास में है बगल में, तो ये दुकान में ठीक ठाक गवर्नमेंट का रूल्स फॉलो कर रहे हैं और इसमें सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो रहा है और इसमें ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा आपको मैं क्या नया बताना चाहता हूँ कि रेशन के दुकान के बारे में। अब अक्सर सुने रहेंगे कि रेशन की दुकान में आप जाएंगे तो ये है नहीं है, ये है ये नहीं है, ये ले लो वो ले लो, जो वो जैसा बोलता है दुकानदार वैसा हमें लेना पड़ेगा। आपको इस इंफॉर्मेशन आज मैं नया दे रहा हूँ कि आप बिना पूछे आप इंफॉर्मेशन जान कर आप दुकान पर जा सकते हैं। इस तरह कि आज गवर्नमेंट में तो एकदम डिजिटल इंडिया है, पूरा दुकान का स्टॉक जो है वो आपने वो मालूम करने के लिए एक ऐप है रेशन का। जिनको मालूम है ठीक है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए वीडियो बहुत बेहतर रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को बिना टिकावे पूरा देखिए, और जिन जिन लोग को ये वीडियो अच्छा लगा ज़रूर शेयर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और जिन लोग फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जो पास में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरा अपडेट वीडियो आपको पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, अब जाए मेरा वीडियो का मौजू पर। वीडियो में क्या बोलना चाहता हूँ कि आप रेशन में दुकान में जा रहे हैं जिधर फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हमको दे रही है, ठीक है। आप जो भी चल रहा है 144 लॉकडाउन और देते हैं गवर्नमेंट अपनी सेवा कर रही है, इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं हम गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट। और साथ ही साथ मैं आपको मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि तमिलनाडु गवर्नमेंट और दीगर गवर्नमेंट ने इस रेशन के बारे में एक ऐप निकाला है, TNEPDS। आप वीडियो में देख सकते हैं ये जो ऐप है, ये अपना दुकान का कार्ड के नंबर से अपना जो रेशन का कार्ड है वो कार्ड से लिखा जाता है, जिसमें आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर रहेगा उसे ले सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि आप उधर जाने से पहले आप ये PDS ऐप में आप चेक करो कि कितना स्टॉक दुकान में मौजूद है और क्या मौजूद है, और साथ ही साथ आप जितना जो इसके जैसा आप ले के आ सकते हैं। आप दुकानदार के पास जाके पूछना ही जरूरत नहीं पड़ेगा कि आप TNPDS में आप देखिए, तो आप और भी उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है कि आपका जो चीज़ जो आपको दिया जा रहा गवर्नमेंट, क्योंकि कार्ड टू कार्ड डिफरेंट होता है कि एक कार्ड को 25 किलो दिया जाता है, एक कार्ड को 30 किलो दिया जाता है, इसमें वगैरह वगैरह होता है। तो इसलिए आपको जो ज़रूरत जो आपका कार्ड एलिजिबल है जो आपका कार्ड में जो मौजूद है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको यही इंफॉर्मेशन देना था कि TNEPDS ये ऐप में आप जरूर जाके देखिए, और इसमें दुकान का स्टॉक भी मालूम कर सकते हैं, और आपको क्या एलिजिबल है वो भी मालूम कर सकते हैं, कितना शक्कर कितना गेहूँ कितना चावल कितना अनाज आपको मिलेगा गवर्नमेंट के ज़रिए से। तो आप इस PDS ऐप में आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना ना भूले, और रजिस्टर करके आप इस ऐप से जानकारी लीजिए। और बस इतना आपको कहना था कि इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट अपने लिए बहुत आसान किया है, जो भी आपको चाहिए सब मिल सकता है, डिजिटल इंडिया है। और थैंक्स फॉर अपना तमिलनाडु गवर्नमेंट, और थैंक्स फॉर इंडिया।
वीडियो पसंद है और इन्फॉर्मेटिव है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन भी दबाइए।